लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए फिर, ये जमीन जल्द ही सोना बनने वाली है। शहर देखिए कैसे आगे आगे बढ़ता आ रहा है। मैं कहूँ कुछ ही दिनों में इसकी 10 गुना कीमत हो जाएगी। और मेन बात यह है सर, सारे इलाके को गवर्नमेंट ने कमर्शियल डिक्लेयर कर दिया है। जमीन का मालिक है ना, ये कुछ नहीं जानता। बेचारा गरीब किसान है, कौड़ियों के भाव में बेच देगा जगह। इसके अलावा सर और एक बात है, वो सामने वाली जो जमीन है ना, वो आपके वो दुश्मन बिजनेसमैन चौधरी, उनकी है। वो कुछ फैक्ट्री बनाने की सोच रहे हैं, वहाँ बड़ी प्लानिंग चल रही। लेकिन अगर आपने ये जगह खरीद ली ना, तो उनकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। क्योंकि आपके माल के सामने तो उनके माल की कोई वैल्यू ही नहीं रहती ना। आओ आओ दिनू, आओ। अरे शर्माते क्यों हो? सेठ जी नमस्ते। ये है दिनू, ये हमारे सेठ जी। आओ दिनू, आओ, नमस्ते। बैठो बैठो जी। खड़ा ही ठीक हूँ, कुर्सी गंदी हो जाएगी। आप हुक्म कीजिए, आज आसमान ने जमीन को कैसे याद किया? भाई दिनू, बात यह है कि हम तुम्हारी वो जमीन खरीदना चाहते हैं। सरकार मेरी जमीन? उस बेकार बंजर जमीन ने आज तक मुझे कुछ नहीं दिया। आप उसे लेके क्या करेंगे? ये सोचना सेठ जी का काम, तुम सिर्फ जमीन की कीमत बताओ। अब सरकार खोटे सिक्के की कोई कीमत तो होती नहीं है। आपका जो दिल करे दे दीजिए। डैडी, yes? मैं तैयार हो गया। शाबाश। आप मुझे चिड़ियाघर लेके जाएंगे? क्यों नहीं लेकर जाएंगे डार्लिंग। हाँ अभी चलते हैं। हाँ भाई दोनों, तो हम तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे। गुड वेरी गुड। अरे 5 लाख नहीं, 10 लाख। चौधरी तुम? हाँ मैं सेठ, तीनों की जमीन का खरीदार मैं भी हूँ। चौधरी ये मेरा ऑफिस है, कोई मंडी नहीं है जहाँ तो बोली लगाने आ गए। मैं बोली लगाने नहीं सेठ, तीनों को सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि मैं उसकी जमीन की सबूत मांगी कीमत दूंगा। मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। दिनू ठहरो, बाहर जाने से बेहतर है यही फैसला हो जाए। कहो क्या बोली लगाते? अरे 10 लाख बोलो ना। 11 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 21 लाख। दिनू दिनू कमल पानी पी, पानी पी। 22 लाख। गुड वेरी गुड। अरे सेठ, 10 लाख की जमीन 22 लाख में तुम जैसे बेवकूफ भी खरीद सकता है? 12 लाख का घाटा मुबारक हो। आग लगे इसके मुंह में, अपना बना बनाया खेल बिगाड़ के चला गया। कोई बात नहीं मुनीम जी, हम जबान देकर पीछे नहीं हटा करते। क्यों बेटे? यस डैडी। आया मुनीम जी। जी दिनू से एडवांस की रसीद लेकर किसी 2 लाख रुपए दे दो। हाँ जी। चलो बेटे अपन चिड़ियाघर चलते हैं। हाँ पीले पीले भाई, फिक्र मत कर बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने सारे रुपए? अरे भगवान, ये सच है, ये नोट असली है और हमारे हैं। ले 2 लाख रुपए देख के तेरी बोलती बंद हो गई, बाकी के 20 लाख देख के तो तेरी सांसें ही बंद हो जाएगी। फिर सोच लो जी, कहीं सपना ही ना हो। 2 बार चुटकी लेके तुझे यकीन दिला चुका हूँ कि ये सपना नहीं हकीकत है। अब तो तेरा हाथ काट लो। इसका मतलब हम लोग सचमुच लखपति हो गए? जब से पैसा आया है, मोहल्ले के लोग 2-2 बार आकर बधाइयां दे चुके। आज तक हमारे जीने मरने की खबर कभी किसी ने नहीं ली। आज हमारे पप्पू की खांसी की चिंता सारे मोहल्ले को है। बारे पैसे सचमुच तुझसे ही जमाना चल रहा है। अरे तू फिर किस सोच में डूब गई? मैं सोच रही हूँ इतने सारे रुपए हम लोग खर्च कैसे करेंगे। अरे खर्चा क्या, बात तो सोचने की है। देख भाई देख, मैं तो इतना जानता हूँ कि लक्ष्मी औरत के भाग से आती है, तो ये सब कुछ जो मिला है तेरी तकदीर से मिला है मुझे। तो अब जो तू कहेगी इसका सो मैं कर लूंगा। मैं तो कहती हूँ जी, जो कुछ भी मिला है हमारे बच्चों के नसीब का मिला है, खास तौर पर हमारी जुड़वा बेटियों के नसीब का। मैं तो इनकी शादी बड़े से बड़े घर में करूंगी। अभी तो बच्चियां हैं भगवान, तू अभी से चिंता करने लगी शादी की? अजी बेटी जात को बड़ी होते देर थोड़ी लगती है।
ये देख, आधी रात को भी बधाई देने वालों को चैन नहीं। अच्छा तू ऐसा कर, इसको खर्च करने की सोच और मैं देख के आता हूँ कि कौन है। आप लोग कौन है भाई? तुम्हारी मौत। जिंदगी चाहता है तो 22 लाख रुपया हमारे हवाले कर दे। कौन से 22 लाख भाई? तो थोड़ा जमीन बेच कर लिए। देखिए मेरे पास कोई 22 लाख नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए आप। प्यारी नहीं तुझे? मैं ला कर देती हूँ सारे रुपए। ठाकुर, ये 22 लाख नहीं है। देखिए अभी हमें 2 लाख रुपए मिले हैं पेश की, बाकी की रकम रजिस्ट्री के बाद मिलेगी। हमें धोखा देता है, गोली मार दूंगा तुझे। हमें हमारे बच्चे की कसम, हम तुम्हें 100 रुपए दे देंगे। ठीक है, तब के लिए बच्चा हमारे पास है। भगवान के लिए जुल्म मत करो, मेरे जिगर के टुकड़े को मत ले जाओ। मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। आपको चाहिए ले लीजिए, लेकिन हमारा बेटा, मैं कसम खाकर कहती हूँ, हम तुम्हें 100 रुपया दे देंगे। मेरे बच्चे को मत ले जाओ, मेरा बच्चा। तो कल 1 बजे सारा पैसा लेकर पूरी पहाड़ी पर पुलिस को खबर करने की कोशिश की, तो इस बच्चे की लाश भी इसकी आवाज सुन सुन के तो मेरी दारू भी नहीं चढ़ रही है। चुप करा दे इसे। इसकी तो मैं, इसे तो मैं हमें चुप होए 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 पैसा के लिए। ओए दूसरा ठाकुर, रख इधर। साले 20 लाख का चक्का मारा। 24 घंटे गुस्सा चढ़ा रहता साले को। ठाकुर, गुस्सा ठाकुर, तूने खूब बोलती बंद की इस साले की। अरे ठाकुर, इतनी मुसीबत उठा रहा है, इसके घर वाले पैसे लेके आएंगे कि नहीं? आएंगे कैसे नहीं, जरूर आएंगे। हमारे लिए तो ये सिर्फ 20 लाख का चेक है, पर उनके लिए घर का चिराग। हमारे घर में अंधेरा हो जाएगा सेठ जी, हमारी जिंदगी अमावस की काली रात बन जाएगी। आपके औलाद वाले हैं सेठ जी, हमारे दर्द को समझ सकते हैं। अगर सुबह तक उन्हें पैसा न मिला तो हम अपने बच्चे को खो देंगे। दे दो ना पैसे, बेचारे कितने रो रहे हैं। अच्छा ठीक है, कल सुबह बैंक खुलने के बाद आके पैसे ले जाना। राम राम डाकू भाइयों, राम राम। आओ चौधरी, आओ बैठो। अरे चौधरी, तूने तो कहा था कि उसके पास 22 लाख है, उसके पास तो सिर्फ 2 लाख निकले, बाकी क्यों गए? जी 20 लाख आज ही सुबह मिले उनको। हाँ। तू कौन है भैंसे? अरे ये तेरा ही आदमी, तेरा ही आदमी है। आदमी चौधरी साहब का ही हूँ, वैसे मुनीम सेठ जी का। चौधरी साहब को सारी खबरें मैं ही देता हूँ। बस यूँ समझ लीजिएगा, आप लोगों को अमीर इसी गरीब ने बनाया। तब तो तुझे जरूर इनाम मिलना चाहिए। अरे ये क्या कि तुम लोगों ने इसे क्यों मार डाला? क्योंकि हमसे भी बड़ा डाकू था। जो आदमी छोटे से इनाम के लिए अपने मालिक के साथ नमक हरामी कर सकता है, वो तो आगे चलकर बड़े इनाम के लिए हम सब के साथ खपतारी कर सकता था। गुड, वेरी गुड। अरे भाई, आज तक मैं समझता था कि तुम लोगों के सिर्फ हाथ ही चलते हैं, अब मालूम हुआ कि तुम लोगों के दिमाग भी चलते हैं। अरे चौधरी, दिमाग तो ऐसा चले कि तेरी आंखों में आंखें डाल के देखे तो फौरन पता चल जाएगी तेरे भेजे हुए क्या है। चोटी की कसम, अपनी तो किस्मत ही खराब है, आज तक कोई बड़ा हाथ लगाए नहीं। अरे अरे भाई, अब तो बड़ा हाथ लग गया ना। 20 लाख रुपया लेकर आज ही रात को मेरे दुश्मन सेठ करमचंद का खून कर देना तुम लोग। हाँ, और फिर थोड़े दिनों के लिए यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाओ। के हो जाए? मेरा मतलब है लापता हो जाओ, गायब हो जाओ। कानून को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम लोग कहाँ हो। उसके बाद
उसके बाद क्या चौधरी? अरे जंगलों के डाकू बनकर बहुत जिंदगी गुजार ली तुम लोगों ने, अब मैं तुम्हें अपनी तरह शहर के डाकू बना दूंगा। हमारी तरह डाकू? अरे भाई लोग, पूरी पहाड़ी में पहुंचने का वक्त तो हो गया। हाँ। उधर डाकू चल अपना चकड़ी काल। चलो देख। चल। आ भाई मेरे 20 लाख के चेक। ये तो मर गया, ये तो मर गया। क्या बात है? अब क्या होगा? फिकर मत करो ठाकुर, ये चेक फिर भी कैश होगा। सूरज सर पर आ गया है, वो लोग अब तक आए क्यों नहीं? तू घबरा मत जानकी, अरे वो लुटेरे हैं, पैसा उनका धर्म है, आएंगे वो जरूर आएंगे। पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। देखो महोदय, अरे अपना पप्पू उनके पास में है। पता नहीं मेरा पप्पू भूखा कैसे रात भर सोया भी नहीं। जाइए जल्दी जाइए उसे ले आइए। तुमने जो पैसा मांगा था मैं लेके आऊं। ठीक है, पैसा दे जा और अपना बेटा ले जा। हाँ, मैं आ रहा हूँ। जाओ जल्दी जाइए, जल्दी से मेरे बच्चे को ले आइए। पैसे पहले आए, मुझे मेरा बच्चा दे दो। बच्चा बाद में, पहले माल लेगा। मेरा बच्चा, देखो देखो पूरे 20 लाख रुपए, देखो मेरा बच्चा। ठाकुर माल ठीक है, बच्चा दे दो। हाँ बच्चा। जानकी बरसात में बच्चों को लेकर कहां बैठी हो? आओ छाते के अंदर आ जाओ, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मेरा कोई घर नहीं है। अच्छा अच्छा, परदेसन हो? थी तो नहीं, पर किस्मत ने एक ही दिन में बना दिया, सब कुछ छीन लिया। ओह समझ गया। देखो बहन, सामने मेरा घर है, बच्चों के लेकर वहीं पर आ जाओ। घबराओ नहीं, इतनी रात में बच्चों के साथ यूं सड़क पर पड़े रहना अच्छा लगता है क्या? चलो आओ बेटा उठो, आओ बहन आओ, आओ आओ बेटा आओ, आओ बहन छाते कर ले, आ जाओ।
बच्चे सो गए। अरे इनको नीचे को सुला कर रखा है, इनको ऊपर सुलाना इधर इधर पलंग पर। पलंग पर आप सो जाइए भाई साहब, सर छुपाने के लिए आपने जगह दे दी, वो क्या कम है? सर छुपाने की हमने जगह दी है तुम्हारी बेटियों को, तुम्हें तो हम अपने बाहों में छुपाएंगे चादर बिछा के। भाई साहब, भाई साहब भाई साहब, तू मुझे लाख बार भाई कह ले, लेकिन मैं तुझे बहन नहीं समझने वाला चादर भी जा। मुझे पता होता कि तुम इतने गिरे हुए हो तो मैं तुम्हारे घर कदम भी ना रखती। मजबूर की तेरा कोई सहारा नहीं है, और मैं तेरा सहारा बन सकता हूँ, मेरी बात मान ले, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। आजा भागती है, हट। को दुनिया धक्के ही देती है। बाबा बाबा मेरी माँ मर जाएंगी बाबा, उसे बचा लो ना बाबा। मरने वालों को अगर बचाया जा सकता तो इस दुनिया में कोई कब्रिस्तान ना होता, शमशान ना होता। हाँ बाबा। खैरियत से खिदमत करने आया हूँ चादर बिछा के। तुम्हारी दिली तमन्ना थी कि तुम्हें एक ऐसा नग मिले जिसके चमकते कोठे पे आने वाले पागल हो जाएं। मैं एक ऐसा चूजा लेकर आया हूँ जिसे देखकर तुम भी सड़े आ जाओगी चादर बिछा के। जरा इधर देख। बेशक नग तो तुम चुन कर लाए हो, बोलो इसकी कीमत क्या लोगी? हीरा सामने रख कर समझदार व्यापारी उसकी कीमत नहीं लगाता चादर बिछा के। उस पापी की वजह से मेरी दोनों बेटियां बिछड़ गई हैं साहब, मुझे मेरी बेटियां दिला दो साहब। उन दोनों के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है साहब, कोई नहीं है। मैं मानता हूँ कि तुम पर बहुत जुल्म हुआ, लेकिन तुम पुलिस स्टेशन तब आई हो जब अपना सब कुछ गंवा चुकी हो। फिर भी हम तुम्हारी बच्चियों को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर मेरी बच्चियां न मिली तो मैं दीवारों से सर टकरा टकरा कर अपनी जान दे दूंगी। मैं मर जाऊंगी। हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो। उस मासूम की तरफ देखो,
जिन डाकुओं ने तुम्हारी दुनिया बर्बाद की है उन्हीं डाकुओं ने इसे भी अनाथ बना दिया है। बेटा तुम तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवा कर किसी न किसी जगह अपना सर छुपा लोगी, लेकिन ये बेचारा मासूम कब से अकेला बैठा रोए जा रहा है, बस रोए जा रहा है, ये भी नहीं जानता कि कहां जाए किसके पास जाए। मेरी तो समझ में नहीं आता कि इसको कैसे तसल्ली दूं जिससे इसके आंसू रुक जाए। इसके आंसू मैं पोछूंगी, इसके माँ बाप नहीं है, मेरी बच्चियां बिछड़ गई है। आओ बेटी, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाए, शायद इस नेकी के बदले कोई शरीफ इंसान मेरी बेटियों के सर पे भी हाथ रखती। तेरे सारे सहारे छीन लिए गए, तुझ पर जुल्म किए गए, अत्याचार किए गए, ये ले इस शक्ति का साथ, सिर्फ तुझे जालमों से बचाएगा बल्कि जालमों के लिए मुंह तोड़ जवाब बन जाएगा। तलाशी तो ले लो बाबा, तलाशी लो। क्या बात दुर्गा, तू बहुत बहादुर हो गई है बेटी। गुरु तो आप ही हैं बाबा। सरदार, इस ट्रक में अफीम और चरस भरी हुई है, इस ट्रक को जला डालो। मगलिंग करने वालों के मुंह पर मेरा ये एक और समाचार होगा। आखिर कौन है वो लुटेरा? अरे भाई, जब भी अपना माल उस इलाके में जाता है न सिर्फ वो माल लूट लेता है बल्कि माल ले जाने वाला भी वापस नहीं आता। अब देखो, अच्छा खासा डल्ला चल रहा था, अब सीधे रास्ते पर चुंगी बनने की वजह से माल पहाड़ी रास्ते से भेजना पड़ रहा है। बिल्कुल, मुझे तो लगता है चरस और अफीम का ये धंधा ही बंद करना पड़ेगा। डर के धंधा बंद करना चार चौधरियों की शान के खिलाफ है। मैं क्या भाई जी, क्या आपकी शान, क्या आपकी आन, मैं जाऊं कुर्बान होन बजा के। काका शाका शिवा, जिस हवेली में मक्खी तक को घुसने की इजाजत नहीं, ये कुत्ता कहां से घुसाया? तोड़ दो इसकी टांगे। ओ भाई जी, आपको हमारी टांगों का डिजाइन पसंद है? बदतमीज। एक मिनट भाई जी, आपने हमको पहचाना नहीं, हमारा नाम है प्रीतम। प्रीतम गुड,
वेरी गुड शिवा, इसे गोली मार दो। बस प्रोदीप, थोड़ा सर दर्द हो रहा है। अब पैसा मैं एक मिनट भैया, मैं खुद नहीं आया, मुझको भेजा गया। किस सरामजादे ने भेजा तुझे? ओ जी, बिरजू ड्राइवर ने। आप लोगों ने एक महीने की मजूरी उसकी देनी है बकाया। लेकिन उल्लू के पट्टे मजूरी बजूरी देने के लिए तो हमने मैनेजर रखा हुआ है। हाँ भाई साहब, लेकिन मैनेजर ने तो अपने पास कुछ नहीं रखा हुआ, नगद नारायण देने के बजाय ठेंगा दिखा दिया। ये तो चंगा हुआ कि उस्ताद जी उधर ठेंगा तोड़ने के बजाय यहाँ पर खुद आ गए, बाहर खड़े। गुड, वेरी गुड। इसका मतलब है कि अगर हम उसको उसके पैसे नहीं देंगे तो वो 2% का ड्राइवर अपना हाथ हमारे गिरेबान तक ले आएगा। नहीं जी, नहीं, गिरेबान तक नहीं, उस्ताद जी सीधा आपका गला दबा देंगे। इसे उठा कर ले जाओ और इसकी आंखों के सामने फिर जो ड्राइवर की बोटी बोटी काट के कुत्तों को खिला दो। ले जाओ। भाइयों, तुमने मुझे उठाया, भगवान तुमको उठाए। उस्ताद जी, और चार चौधरी ने 4,000 रुपए के बजाय 1,000 रुपए के ये 4 चेक भेजे हॉर्न बजा के, कैश कर लो। अच्छा, तो ये है जो पैसे मांगता है। अरे सोच ही रहे हो, अग्गे बदो ते थपे लगवाओ, बदो हॉर्न बजा के चलो। मुझे उठवाया, मैं आपको उठवाने आ गया हूँ। जल्दी से बाहर आ जाइए, इससे अच्छा मौका मार खाने का फिर नहीं मिलेगा। अरे अभी तो, अभी तो जिंदा है। ओ भाई जी, आपको मुर्दा देखने के बाद ही मरूंगा मैं हॉर्न बजा के। बदतमीज, भागो, भागो तो से। शिवा, दो दो एक दो तीन चार। लो भाई जी गिनो, तुहाडे बाहर वाले तो बाहर पड़े हैं हॉर्न बजा के, ये रहा तुहाडा अंदर का चौका। किस शरमजादे ने इनकी हालत बनाई है? आपके पिताजी ने। मेरा नाम बिरजू ड्राइवर है, सौरभ दी। जिससे काम लिया करते हैं उसे याद भी रखा करते हैं चौधरी। चुप है, एक मामूली ड्राइवर की इतनी हिम्मत? अबे ओ चौधरी, ईमानदारी से मेहनत करने वाले इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी हिम्मत होती है सौरभ दी। 1 महीने से मैं और मेरा ट्रक तुम्हारी कंपनी के काम आता रहा है, और जब पेमेंट का वक्त आया तो तुम्हारा मैनेजर कहता है कि पैसे नहीं है, और तुम सीधा मुंह उठाकर मालिकों के घर तक आ गए। सौरभ जी, मेरी मेहनत की कमाई तेरी जेब में तो क्या, शेर के मुंह में हो तो वो भी निकाल के ले जाऊंगा। खामोश है, चुपचाप अपने गुस्ताख जबान निकाल के हमारे कदमों में डाल दे। अरे चौधरी, चुपचाप मेरी मेहनत की कमाई गिन के मेरे सामने रख दे, वरना कुत्ते की दुम कितनी भी टेढ़ी क्यों ना हो, बिरजू से सीधा करना जानता है। अरे छोटे चौधरी, हलाल की कमाई खाने वाले और अपना हक मांगने वाले की कदर करनी चाहिए। हाँ, गुड, वेरी गुड। अरे भाई, गलती इसकी नहीं, गलती हमारी है, जिन्होंने इसकी मजदूरी इसका पसीना सूखने से पहले नहीं दी। हाँ बिरजू, कितने पैसे हुए तुम्हारे? सिर्फ 4,000। 4,000?
ये लो। चौधरी मजदूरी दे रो, भीख नहीं, उठा के लो। गुड, वेरी गुड। अरे भाई, मैंने इतना खुददार और अपने ऊपर इतना भरोसा करने वाला इंसान इस शहर में आज तक कभी नहीं देखा। वाह वाह वाह, ये लो भाई अपने 4,000, ये है तुम्हारी मजदूरी और ये हमारी तरफ से इनाम रखो। और चौधरी, 100 अरब दिन मजदूरी करता हूँ, दलाली नहीं। ये इनाम अपने पास संभाल कर रख लो, तुम्हारे इन भाड़े के टट्टुओं की मरहम पट्टी करवाने का काम आएंगे। वेरी गुड, आई लाइक इट। काश के तुम्हारी जैसा इंसान हमारे पास काम करता। तुम हमारे पास परमानेंट काम करोगे? हाँ, काम हमारी मर्जी का और दाम तुम्हारी मर्जी की। मजदूरी हर महीने मेरी 4,000 होती है, रुपए सिर्फ 4,000 ही लूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। क्या? एक, 100 अरब दी। जिंदगी में कभी भी किसी भी कीमत पे कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। तोबा 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 तोबा। अरे भाई, हम चारों चौधरी गैर कानूनी कामों से 40 मील दूर रहते हैं। तुम ऐसा करो, तुम कल से ही काम पर आ जाओ। दूसरी शर्त तो सुन लो चौधरी। हाँ? मेरी इकलौती बहन है, उसके रिश्ते की बातचीत चल रही है। उस सिलसिले में अगर कहीं मुझे आना जाना हुआ तो तुम्हारा काम कितना भी जरूरी क्यों ना हो, 100 अरब दी नहीं आऊंगा। ठीक है बिजू, हमें तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर है। तो चौधरियों, 100 अरब दी हमें भी मंजूर है। चल प्रीतम, इसे इतना सा चढ़ाने की। घोड़ा जरा अड़ियल है, देर से भागेगा। लेकिन जब भागेगा तो सरपट भागेगा। गुड, वेरी गुड। ओ मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। ऐ शाबाश, ये देख भैया अपनी बहन के दहेज के लिए क्या क्या सामान लेकर आया है। अब तू यही कहेगी ना कि बहन को निकालने के आखिर इतनी जल्दी क्या है भैया? तो पगली जल्दी तो है ना भाई, जब तक बहन को डोली में बिठाकर विदा न कर दे चैन की सांस नहीं लेता। मैं तब तक डोली में नहीं बैठूंगी जब तक भाभी घर में नहीं आ जाती। अरे इसका मतलब तेरे को दूसरी भाभी चाहिए? दूसरी भाभी? हाँ, और नहीं तो क्या। अरे भाई, जो इसकी मर्जी से जागे, इसकी मर्जी से सोए, इसकी मर्जी से आगे चले, इसकी मर्जी से रुके, वो भाभी नहीं तो और की होया। किसकी बात कर रहे हो तुम? अरे वो जी जिसको ये बड़े संभाल के रखता है अपनी दुल्हन। पगला कहीं का, अब तो छोड़ दो। बेटा, जब भी तू कहीं जाता है ढेर सा सामान लेकर आता है अपनी बहन के लिए। अब तो घर में सामान रखने की जगह भी नहीं है। अरे बापू, मेरा बस चले तो बहन के दहेज में अपनी जान तक दे दूं, 100 अरब दी। अरे पगले, इतना प्यार करता है अपनी बहन से? बापू, तुम्हारे प्यार के सामने तो मेरा प्यार कुछ भी नहीं। बापू, तुमने तो आज तक मैं माँ की कमी नहीं महसूस होने दी। बस बस बेटी, आ जा, भैया को अंदर ले जा, खाना वाना खिला। इतनी दूर से ट्रक लेकर आया ये। जा बेटा, जा बेटा, तू जा। अरे पगले, तू हमेशा बाप के प्यार की दुहाई देता रहता है। मैं तुझे कैसे बताऊं कि मैं तेरा कुछ भी नहीं लगता। मैंने तुम दोनों को दरिया में डूबती हुई कश्ती से बचाया था, जिसके दूसरे किनारे पर तेरी माँ की समाधि है। उस पर फूल चढ़ाने वाले को बरसों से तलाश कर रहा हूँ। शांति, 20 साल से तू इस समाधि में सो रही है और मैं आंखों में इंतकाम के सपने लिए जाग रहा हूं। जब जब तेरी समाधि पर आता हूं तो मेरे सामने 20 साल पहले का वो मंजर ताजा हो जाता है। उस मनहूस दिन की एक एक बात इस तरह याद आने लगती है जैसे वो सब 20 साल पहले नहीं, आज इसी वक्त हो रहा। फॉरेस्ट अफसर, हम लोगों को डाकुओं की पोशाक में देखकर हैरान नहीं हो रही है? तुम लोग सीधे साधे और शरीफ जंगल के स्मगलरों को तुम्हारी शराफत और ईमानदारी ने जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया था। अगर मेरा बस चलता तो तुम लोगों को फांसी तक पहुंचा देता। चौधरी की कसम, तुम तो हमें फांसी के फंदे तक पहुंचा नहीं सके, मगर हम जेल तोड़कर तुझे और तेरे खानदान को
ऊपर पहुंचाने आ गए। बच्चों को लेकर बीच उतर आओ जल्दी। बच्चों के साथ बॉनट के पीछे छुप जाओ। मैं गाड़ी को धक्का देकर कश्ती तक ले जाता हूं। तुम बॉनेट के पीछे छुपकर गाड़ी के साथ साथ चलते रहो। बच्चों को ले जाकर जल्दी से कश्ती में बैठ जाओ। का गिरा मैं आज तक न उठ सका, ना ही बच्चों का कुछ पता चला और ना ही तेरे कातिलों का। मैंने जंगलों पहाड़ों में आधी जिंदगी काट दी किसी उम्मीद पर कि किस्मत एक ना एक दिन मुझे उन तीनों जालिमों से जरूर मिलाएगी। चोटी की कसम, इस दुनिया में उल्टी गंगा बहाने वाला ही राज करता है। सफेद पोशी के इस लिबास में हम हर गार कानूनी काम करते हैं और कानून की नजरों में हम शरीफ और इज्जतदार आदमी हैं। आज कानून हमारी मुट्ठी में है और दुनिया हमारे कदमों पे। हम चाहें तो दिन को रात कहलवा दें और रात को दिन कहलवा दें। आपके दिन को दशहरा और रात को दिवाली बनाने के लिए मैं हाजिर हो गया हूँ चादर बिछा के। कहो दलाल, कैसे आना हुआ? जब कोई काम की चीज नजर आती है तभी तो ये दलाल नजर आता है चादर बिछा के। ओ दल्ले, ऐसी कोई खास चीज थी तो उठा के ले आना था? जिस चीज को देखने के लिए शहर का हर तमाश भी अपने हाथ में दिल रख के उसके घर पे जाए, भला वो मशरत कहां से आएगा चादर बिछा के? उसकी गुस्सा नहीं, यकीन मानिए मालिक, दरिया के किनारे खड़ी हो जाए तो बहता पानी थम जाए, पत्थर पे पांव रखते तो पत्थर पानी पानी हो जाए, जलते सूरज को देखे तो बर्फ की तरह ठंडा हो जाए और ठंडे चांद को देखे तो उसमें भी आग लग जाए चादर बिछा के। वेरी गुड, ओए 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 ओए, आज तक हमने तुम्हारे मुंह से किसी के बारे में इतनी तारीफ नहीं सुनी। लफ्ज खत्म हो जाएंगे मालिक, लेकिन तारीफ खत्म नहीं होगी चादर बिछा के। गुलाब जैसी लाली, शबनम सी पाक, हिरने और आज ये हिरने चंदा बाई के कोठे पर पहली बार मुजरा करने जा रहा है चादर बिछा के। खरीदार तो बहुत होंगे मालिक, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो फूल कौन से गुलदस्ते में लगेगा चादर बिछा के। पहाड़ खुद चलकर जाते तो नहीं, लेकिन तुम्हारी तारीफ ने हमारे शौक को भड़का दिया है। हम देखना चाहते हैं चांद और सूरज को मात देने वाली ये सूरत हमारे दिल पर कौन सी बिजली गिराती है। जवानी थी मजे ले
जो समझो हकीकत है न समझो Thank you.
वाह सुभान अल्लाह, क्या चीज तैयार की है चंदा भाई। कसम वालिद मरहूम की, सिर्फ दो बरस का था जब उनकी उंगली पकड़कर कोठे पर आना शुरू किया। सारी जिंदगी कोठों पर गुजार दी, हजारों भाइयों से वास्ता पड़ा, सैकड़ों मुजरे सुने, लेकिन आज आज कमबख्त पहली बार ये दिल दीवाना हो जा रहा है। आंखें ऐसी कि जिनमें डूब कर निकला भी ना जाए, और जिस्म का उतार चढ़ाव देखकर तो बाढ़ पर आई नदी की याद आता हो जाए। भगवान की कसम, जिंदगी भर तिजोरी में बंद दौलत की पूजा की है, मगर आज के बाद सिर्फ इसकी पूजा करूंगा। चंदा भाई अब ज्यादा बेकरार न कीजिए, इस अनमोल हीरे की कीमत फौरन बतला दीजिए। कीमत बताने से पहले एक बात और जान लो चंदा भाई, कुदरत के बनाए हुए इस नग के खरीदार हम भी हैं। गुड, वेरी गुड। और ये भी जान लो चंदा भाई, सारा शहर जानता है कि चार चौधरी से बड़ा खरीदार इस शहर में और कोई नहीं है। चंदा भाई, सांप के मुंह के आगे दिया नहीं जलाया जाता, चार चौधरियों के आगे बोली बोलने की हिम्मत किस कमबख्त में है, हम तो मैदान छोड़ चले। कहाँ जा रहे हैं हुजूर, सुनिए तो, सुनिए। ओ भाई जी, परेशान क्यों होती है, ग्राहक चले गए तो क्या हुआ, हम तो हैं, ले लो काली चेक है, जो मर्जी है भर लेना। अजी सरकार, हीरे को गौर से एक नजर फिर से देख लीजिए, चंदा भाई इस चांदनी के पूरे 10 लाख लेगी। ए चंदा भाई, ये चार चौधरियों का चेक है, 10 करोड़ भी भर लोगी तो चोटी की कसम डिसऑनर नहीं होगा। माफ कर दो सरकार, इसका मतलब ये नहीं था, इसका मतलब ये था कि बाद में आपको इसकी कीमत ज्यादा ना लगे चादर बिछा के। चौधरी नहीं राक्षस है, कहीं अपनी चादर ना बिछ जाए। मैं माफी चाहती हूँ सरकार, आज से शन्नो आप ही की है। ये क्या करे माँ, मैं से कई चेक नाच नाच कर तेरे कदमों में रख दूंगी, मेरे शरीर का सौदा मत कर माँ, मुझे अपनी इज्जत नहीं बेचनी। आप फिक्र मत करो चौधरी साहब, क्या है कि जब घोड़ी नई होती है ना तो लगाम डालने में थोड़ी तकलीफ तो होती है ना चादर बिछा के, आप तो समझते हैं। अजी सरकार, ये चेक तब तक बैंक में नहीं जाएगा जब तक हंसती मुस्कुराती हुई शन्नो आपकी बाहों में झूल रह जाए। कोई बात नहीं, शिकार का मजा तभी है जब तड़प के मुश्किलात से हाथ में आए। गुड, वेरी गुड। कहते हैं जो मजा इंतजार में है वो वसले यार में कहां है। और इतना याद रहा भाई जी, आज से शानो चार चौधरी की अमानत है। जी सरकार। और जब भी बुलावा है चोटी की कसम इनकार नहीं होना चाहिए। अरे इनकार करके लंगड़ाम खाना है हुजूर, शानो आपकी अमानत है, आप जब बुलवाएंगे भिजवा देना चार। वेरी गुड। इन घन चक्रों को तो संभाल लिया, अब तो मुझे संभाल लेना चादर बिछा के। हिम्मत से काम ले लेंगे, ये तो कोठे की दुनिया का दस्तूर है, यहां पर माली बनके फूलों को पाला जाता है और फिर भंवरा बनके उन्हीं का रस चूसा जाता है। ऐसे क्यों है बाबा, मेरी अपनी माँ मुझे बेचना चाहती है, उसका खून इतना सफेद क्यों है बाबा? यहाँ रहने वाले अपनों में अपना खून ही कहाँ है बेटी, फकीर की झोली में किस किस का पैसा गिरता है ये तो खुद फकीर को भी नहीं पता। फिर मेरा खून क्यों बार बार उबलता है बाबा? क्योंकि बेटी तेरी रगों में एक शरीफ और इज्जतदार माँ बाप का खून दौड़ रहा है। ये माँ, ये इस मंडी की थोक की व्यापारन है, इसने तुझे आज से 15 साल पहले खरीदा था, ये वो माँ है जिसने तुझे असली माँ बाप की गोद और उनकी पहचान छीन ली। मैंने तुझे बेचने वाले दलाल से भी पूछा, उसने सिर्फ इतना बताया कि तेरी माँ
और बहन भी थी, लेकिन लेकिन जो आज तक लापता है। बाबा, बचपन से लेकर आज तक तूने मेरे हर जख्म पर मरहम रखा है। आज इस दर्द की दवा भी बता दे बाबा, बता दे बाबा, इस मंडी में लगने वाली पोली से मैं कैसे बच सकती हूँ, मैं कैसे बच सकती हूँ बाबा? बेटा, ये कोठा एक ऐसा पिंजरा है जहां अगर बंद पक्षी के पर भी निकल आए उड़ नहीं सकता, लेकिन बेटा तेरी इज्जत बच सकती है। वो कैसे? इस शहर में सिर्फ एक ही आदमी है जो तेरी इज्जत बचा सकता है, जिसका नाम है शेरू दादा। शेरू जो हमसे जमीन का कब्जा लेना चाहता है, उसका रिकॉर्ड है, जो टाइम देता है उस टाइम पर पहुंचता है, इसीलिए उसने वो घड़ी भेजी है। लो, बज गई घंटी, उसके आने का टाइम हो गया। अबे ये बोल कि मेरा कत्ल करने का टाइम हो गया है, बुला साले को, कहाँ हो? तुम्हारा नाम सुनकर शहर छोड़कर भाग गया होगा दादा। पर मैंने सुना है वो जब भी आता है घंटा बजा कर आता है। उल्लू के पट्ठो, घड़ी पहुंची थी? हाँ पहुंची थी। तो अब ये घड़ियाल तुमसे मिलने आ रहा है। ये खटारे क्यों नहीं हटाया अभी तो यहां से? वो इसलिए कि हम तुम्हारी हड्डियां तोड़ के तुम्हें भी इनके जैसा एक खटारा बनाना चाहते हैं। हम जब भी किसी बदमाश से मिलने जाते हैं तो हड्डियां ना टूटने का पूरा इंतजाम करके जाते हैं। हम पिटने के लिए तैयार हैं। शुरू हो जाओ भाई, जरा इनकी सर्विसिंग कर दो। अरे जल्दी आओ, गंजे कर ले अरमान पूरे, ये देख मेरी गुलाजी। ध्यान से एकदम पूरा छूट जाए। बन गई घंटी। लो भाई लगो, अब मेरा पिटने का टाइम खत्म और तुम्हारा पिटने का टाइम शुरू। वो घड़ी 5 मिनट आगे इसलिए रखी थी ताकि प्यादा तुम लोगों के बदन गर्म कर सके। सुस्त लोगों को पीटने में मुझे मजा नहीं आता। अच्छा तो तुम हो शेरू? नहीं, शेरू मैं 11 बजे तक था, अब मैं तुम्हारी मौत हूं।
काले सुअर की औलाद, चल अब इस माँ को बताया कूड़ा करकट ऐसे कब साफ करेगा। बोल, मुझे माफ कर दो भाजी, मैं जगह पूरी साफ कर दूंगा, आज ही साफ कर दूंगा। इसे वक्त साफ कर सदके जाओ उस माँ के जिसने तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया। तूने इस विधवा को ठोकरे खाने से ही नहीं, इस बच्ची के भविष्य को भी बचाया है। मैं तेरी कीमत तो दे नहीं सकती बेटे, लेकिन नहीं भाजी, मैं पैसे जरूर लेता हूँ, लेकिन सिर्फ उनसे जो गरीबों का हक छीनते हैं। ये पैसे रख लो, और जब मेरी इस छोटी सी बहन की शादी होगी ना, तो मेरी तरफ से शगुन दे देना है। वैसे माँ जी, अगर आप कुछ पैसे देना ही चाहती हैं, तो इसमें से थोड़े पैसे मुझे दे दीजिए। बकवास बंद कर प्यारे, इधर। लेकिन गुरु अपनी भी कुछ जरूरतें हैं कि नहीं? अरे तेरी जरूरत है, मैं जो पूरी करता हूँ। चल, भगवान इसे सलामत रखे। ना मालूम क्यों पुलिस इसे बदमाश क्यों कहती है। 15 साल हो गए साहब, इन 15 सालों में कई ऑफिसर बदले, लेकिन मेरा नसीब नहीं बदला। हर ऑफिसर ने यही कहा कि तेरी बेटियां तुझे मिल जाएगी। मुझे बताइए साहब, तेरी बेटियों को ढूंढने की कानून को फुर्सत कब मिलेगी? देखो, कानून अपनी कोशिश कर रहा है, जिसका सबूत ये 15 साल पुरानी फाइल है, जो अभी तक बंद नहीं की गई। इस फाइल को फेंक दीजिए साहब, लेकिन मुझे मेरी बेटियों से मिला दीजिए साहब। पहले तुम ये बताओ कि हर दूसरे दिन तुम मुंह उठाए यहाँ चली आती हो, क्या तुम लावारिस हो? जो इसे लावारिस कहे, मैं उसके सारे वारिस मानता हूँ। एक बदमाश इसके सिवा बोल ही क्या सकता है? अरे आपसे क्या मदद मांगनी है साहब, जिनको आज तक यही नहीं पता कि शराफत और बदमाशी में क्या फर्क होता है। आप मुझे बताइए कि क्या बदमाशी की है मैंने? शराब पी है, जुआ खेला है, किसी की इज्जत पर हाथ डाला है? किस वजह से आप मुझे बदमाश कर रहे हैं? फिर अपनी हाजिरी लगाओ और दफा हो जाओ। तुझे याद है मां, किसी पुलिस स्टेशन में तूने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा था कि हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। अब मैं जवान हो गया और तू दूसरे सहारे ढूंढने लगी। मां जी हुई बेटी, 15 साल पहले इन्होंने आस बंधाई थी कि तेरी बेटी यहां मिल जाएगी। उसी आस के सहारे इनके दरवाजे पर बार बार आ जाती हूं। इनके आसरे झूठे होते हैं मां, मुझ पर भरोसा रख, तेरी बेटियां मैं ढूंढ निकालूंगा। आओ बेटी, अगर इस घर का मालिक तुम पे मेहरबान हो जाए तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। देखते हो दादा, थोड़े से पैसे मुझे दे दे, मेरी बात मान ले। बहुत लंबा रास्ता है, थक जाओगी। कौन हो तुम, क्या चाहिए? इसे आपकी जरूरत पड़ गई शेरदादा। मैं एक बदमाश हूं, मुझसे सीधी और मतलब की बात करो। कुछ लोग इस बेचारी की इज्जत के पीछे पड़ गए। ये बड़ी उम्मीद लेके तुम्हारे पास आई है शेरदादा, क्योंकि सिर्फ तुम ही इसे उन जालिमों से बचा सकते हो। ये तुम्हें मुंह मांगी कीमत देगी। इसे कहो कि उन कुत्तों का नाम बताकर अपना पता लिख कर दे दे, मैं उनकी लाशें बोरी में बंद करके इसके घर पहुंचा दूंगा। बता दे बेटी। इस शहर के मशहूर रईस चार चौधरियों का नाम तो तुमने सुना ही होगा, वही मेरे दुश्मन है। और मैं जब बाबा के कोठे पर नाचने वाली तवायफ हूं शानू। वो तमाशबीन और तुम तवायफ, कहीं उन्होंने तुम्हारी कीमत कम तो नहीं लगाई? बिकने पे शौक होता तो तुम्हें खरीदने नहीं आती शेरू दादा। बाजार में रखी हुई चीज बिक तो सकती है, खरीदार कभी नहीं हो सकती। बिकते तो हम दोनों हैं शेरू दादा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे हर कीमत पर बिकना पड़ता है, और तुम्हें तुम्हें तो ना बिकने का भी अधिकार है, लेकिन मैं तुम्हें हर कीमत पर खरीदूंगी। बोलो तुम्हारी कीमत क्या है? जुबान बंद कर बेगैरत। मुझे बेगैरत कह रहे हो, जो अपनी इज्जत बचाना चाहती है और अपने आप को गैरतमंद कहते हो, जो मेरी मदद ना करके मुझे अन जालिमों के हाथों लुटने के लिए छोड़ रहे हो। लोगों के लिए नाचती हो, मेरा पेशा है
कोठे पर रहती हो, मेरी मजबूरी है, और इज्जत की बात करती हो, क्योंकि एक औरत हूँ। तुम औरत नहीं, एक तवायफ हो, जिसे कोई भी तमाशबी नोट फेंक कर जिस तरह चाहे नचा सकता। मैं तुझ जैसी बेगैरत औरत की मदद नहीं कर सकता, समझ? बेटी, जिस घर की चौखट पे भीख न मिले उसका दरवाजा बार बार नहीं खटखटाते। चल ठहरो बाबा, जाने से पहले मुझे इससे एक बात कह लेने दो। शेरू दादा, इतना याद रखना कि अगर तुम बदमाश होकर एक इंसान हो तो मैं भी तवायफ होकर एक औरत हूं। आज जिन हाथों से तुमने मुझे धक्का दिया है, एक दिन इन्हीं हाथों से तुमने मेरा हाथ न थामा तो मेरा नाम भी शर्म नहीं। चलो बाबा। गुरु, बहुत जोरदार चले दे गई है लड़की। खेसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आज मैंने उसे उसकी औकात बता दी, अब वो दोबारा कभी इस घर की चौखट पर कदम नहीं रखेगी। माँ जी, पंद्रह साल के बाद किसी बेटी ने मां कहकर पुकारा है। जी चाहता है समय यहीं रुक जाए, ना तो कुछ बोले ना मैं कुछ पूछूं, तुझे देखते ही देखते मौत आ जाए। बेटियों की जोड़ी में से एक बेटी मुझे मां कहने आ गई, परसों से बिछड़ी, इतनी आसानी से तो नहीं मिलते। अगर आपके दिल में किसी बेटी के लिए कोई जगह खाली है तो वो जगह मेरे नाम कर दीजिए माँ जी। आपको बेटी की इतनी जरूरत नहीं होगी जितनी मुझे माँ की जरूरत है। बेटी बन रही है तो एक सांस में अपने सारे दुख बता दे, तेरे हर दर्द की दवा न बन जाऊं तो रिश्ता तोड़कर उल्टे पांव वापस चली जाऊं। मेरे हर दर्द की दवा आपका बेटा है माँ जी। मेरा बेटा? उसने तेरे साथ कोई ज्यादती की है? ज्यादती? इसका मतलब उसने आपको मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? वो तुम्हें जानता है? जानता है, पिछले दो सालों से वो मुझे कहां कहां नहीं लेके गया, सिनेमा, पिकनिक, और इसके बाद, इसके आगे मैं आपको क्या बता सकती हूँ माँ जी। मैंने तो अपना सब कुछ इस पर निछावर कर दिया। देखिए, उसकी परेशानी में मुझे सीने की बीमारी हो गई है माँ जी। पिछले साल उसने मुझसे शादी का वादा किया था, और अब क्या हुआ? अब कमीना कहता है कि माँ राजी नहीं है। माँ जी, आपने ऐसा कहा क्या? मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मासूम नहीं हूँ, और इतने आगे जाने के बाद माँ जी मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं है। माँ जी, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो घबरा मत बेटी, तो वापस चली जा। अब तेरे घर का रास्ता मुझे वो खुद बताएगा, और उसके हाथों से मैं तुझे मम्मी की अंगूठी पहनवाऊंगी। माँ जी, माँ जी। बेटी, एक बार उसे घर आने दे। आप बहुत महान है माँ जी। ओए,
खुश आमदीद। किसके नसीब इन मुबारक कदमों को यहाँ तक ले आए? अपनी तकदीर पर फख्र करूं इस कोठे की? मैं सिर्फ इतना पूछने आया हूँ शानुभाई कि कोठे पर नाचने वाले पैरों ने शराफत की दहलीज पार करने की हिम्मत कैसे की? वो दहलीज एक माँ के घर की भी है। मेरी माँ के घर के पास से गंदे माहौल की हवाओं को भी गुजरने की इजाजत नहीं, तुमने वहाँ कदम कैसे रखा? मुझे तो वहाँ मेरी जरूरत लगी थी शेरू दादा, तुम्हें यहाँ कौन लाया? मेरा गुस्सा। यहाँ तक तुम्हें तुम्हारा गुस्सा ले आया है? वहां तक मेरा प्यार ले जाएगा। प्यार किया है जितना।
देखने पे कोई पाबंदी नहीं है शानू भाई, लेकिन आइंदा अगर तूने मेरे सपने देखे तो मैं तेरे इस कोठे को शमशान बनाऊंगा, समझे? तेरी इसी अदा ने तो हमें दीवाना कर दिया शेरू दादा, तूने नोटों की जगह हमें नफरत दी है। जिस दिन तेरी नफरत हद से गुजर जाएगी, हमारे प्यार की शुरुआत खुद ब खुद हो जाएगी। कौन हो तुम? शेरा नाम है मेरा। तुझे इस घर को इसी वक्त खाली करना पड़ेगा। वाह, पूरे 3 महीने का किराया बयाने में दिया चादर बिछा के। शरीफों के मोहल्ले में शरीफ रहते हैं, चादर बिछाने वाले दल्ले नहीं, समझा? मैं ये घर पर छोड़ने वाला नहीं हूँ चादर बिछा के। अबे छोड़ेगा तो तेरा बाप। मुझे बचा लो। मैं कौन हूँ? मैं चार चौधरियों की सेवा करता हूँ। मैंने घर किराए पे लिया था, मुझे जबरदस्ती यहाँ से निकाला जा रहा है चादर बिछा के। कौन निकाल रहा है तेरे को? शेरा दादा। दादा? शेरा? शेरा! आप बिछे के चादर। क्यों बे, क्यों निकाल रहा है उसे घर से? जवाब मांगने वाला तू कौन होता बे? किसी को घर से निकालने वाला तू कौन होता बे? संभाल संभाल कर बात कर, गला ढंग से बोलने वाले की बोलती शिरा बंद कर। अबे लौंडे, सौ रब दी, तुझ जैसे गीदड़ का जवाब बिरजू हाथ से नहीं बल्कि अपनी लात से देता है बेटे। अरे छोड़ो, झगड़ा क्यों कर रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, ये कमीना उस शरीफ आदमी को घर से बाहर निकाल रहा था। और वो कमीना इस घर को वैशाल्य बना रहा था, पूछो मोहल्ले वालों से। ठीक कर रहा है। मेरी चादर ना बिक जाए, पागले भड़वे। दोस्त, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम किसी शरीफ आदमी को नहीं बल्कि मोहल्ले की गंदगी को बाहर निकाल रहे थे? क्योंकि तुम्हारे सवाल पूछने का अंदाज लाजवाब था। देखो दोस्त, आंसू बिरजू की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर मुझे पता होता कि वो साला दलाल की औलाद मगरमच्छ के आंसू बहाकर मुझसे मदद की भीख मांग रहा है तो 100 रब इस साले की आंखें फोड़ देता। चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने बहादुर से मुलाकात तो हुई। मेरा नाम है बिरजू, बिरजू ट्रक ड्राइवर। हमारा नाम है शेरा और हमें तुम्हारी बहादुरी और शराफत बहुत पसंद आई। चलो इसी बहाने आज से हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। शाबाश। परसों 50 लाख का चरस और गांजा उतरने वाला है और इस बार इस माल को लेकर हमारा ड्राइवर बिरजू उस रास्ते से जाएगा। भाई चौधरी, मन्ने तो पूरा यकीन है कि बिरजू हमारा माल फायदे से तो बचाएगा ही, पर देख लेना साथ ही साथ वो सारा पहाड़ी चूहे का नाम निशान भी बढ़ा देगा। हाँ, तुम लोग अगर इजाजत दो तो कसम चोटी की मैं उस पहाड़ी चूहे को चींटी की तरह मसल दूंगा। नहीं चौधरी नहीं, अब हम इज्जतदार और शरीफ आदमी बन गए हैं और अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए ऐसे काम खुद करना हमारे लिए ठीक नहीं है। दुश्मन की मौत बिरजू के हाथों ही हो जाने दो। हमने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया है, तुम होशियार भी हो, ताकतवर भी, जानदार भी और सीधार भी। शरीफों के लिए मरहम भी, बदमाशों के लिए तलवार की काट भी, 100 रब दिए ईमानदारों की हिफाजत के लिए जान दे सकता हूँ और बेईमानी और गद्दारी करने वालों की जान ले सकता हूँ। चौधरी, मेरी तारीफ करने के बजाय ये बताओ कि ये माल क्या है? अरे माल क्या है, चाय की पत्ती है और कुछ कीमती जड़ी बूटियां हैं जो दवाइयां बनाने काम आती है। लेकिन ये माल तुम्हें उस पहाड़ी रास्ते से लेकर जाना है जहाँ एक डाकू लुटेरा रहता है जो आज तक न सिर्फ हमारा करोड़ों रुपए का माल लूट चुका है
बल्कि माल लेकर जाने वाले कभी वापस नहीं आने देता। उस रास्ते से माल ले जाने की क्या जरूरत है चौधरी, सीधे रास्ते माल पहुंचा देता हूं। बात रास्ते की नहीं है बिरजू, उस आदमी की है जिसके सर को नीचा करके उसी रास्ते से माल निकालना हम सबकी जिद बन चुकी है। मेरा हाथ आप लोगों से काम के लिए मिला था, आपकी जिद पूरी करने के लिए नहीं। ओ गुटे, वेरी गुटे। ओए 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 भले आदमी, अगर तुम्हारी होशियारी और बहादुरी से हमें थोड़ी सी खुशी मिल जाए और हमारी थोड़ी सी शान बढ़ जाए तो क्या तुम्हें खुशी नहीं होगी? हाँ ठीक है चौधरी, ये माल जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच जाएगा। ये तो सब खाली है, इनमें तो कुछ भी नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे सामने ही तो इन डब्बों में माल भरा गया था। वो चारों चौधरियों ने बकवास बंद करो। एक तो हमारा वक्त खराब किया और दूसरे चौधरियों जैसे शरीफ लोगों पर इल्जाम लगा रहे हो। आइंदा ऐसी गलती की तो बंद कर दूंगा, याद रखना। क्या कहा प्रजू, हमारा ट्रक लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया? अरे बहुत शुक्र करो, ट्रक में सारी की सारी पेटियां खाली निकली, वरना उसने तो हम चार चौधरियों की इज्जत खाक में मिला दी थी। उसके आंखों में हमने पहले ही स्वर कपाल देख लिया था, इसलिए चरस और अफीम की जगह हमने खाली पेटियां ट्रक में भरवा दी। ओ गुड, वेरी गुड। अरे भाई, तुम्हारी अकलबंदी ने हमें बचा लिया, वरना हम तो बर्बाद हो जाते। कसम चोटी की, उस हरामजादे बिरजू को अपने इस दोगलेपन की सजा जरूर मिलनी चाहिए। सजा मिलेगी उसे, और ऐसी सजा मिलेगी कि जिंदगी भर चार चौधरियों को वो भूल नहीं पाएगा। क्या हुआ बाबू, क्या हुआ? बेटे वक्त बहुत कम है, मेरी बात गौर से सुन। मैं तुम लोगों का कुछ नहीं लगता। मैंने तुम लोगों को नदी के किनारे बचाया था, तुम्हारे माता पिता को डाकू ने मार डाला। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि किसी ने उनकी समाधि बना दी। उस समाधि पर फूल कौन चढ़ाता है मैं आज तक जान नहीं पाया। मगर ये बात तुमने मुझे पहले क्यों बताई? मैं तुम्हारा दिल दुखी नहीं करना चाहता था बेटे। आज चूंकि मैं मर रहा हूं, मेरी आत्मा को तभी तसल्ली होगी जब मैं ये सब सच सच बता दूं। बापू, तुम्हारी ये हालत किसने की? चौधरियों के आदमियों ने, और वो तेरी बहन को भी उठा कर ले गए। क्या साथ में हमारे खून की लकीरों, चोटी की कसम हम उस हाथ को काट कर फेंक देते हैं। आस्तीन में सांप पालना बड़ा पुराना धंधा है बिरजू, लेकिन सांप के फन पर हम हमेशा अपनी पकड़ रखते हैं। गुड, वेरी गुड। अगर अपनी बहन की इज्जत और जिंदगी चाहते हो तो सर झुकाकर पहले हमारी शर्तें सुन लो। पहले जिद माल उसी रास्ते से ले जाने की थी, और अब माल लूटने वाले लुटेरे को पकड़ कर लाने की है। तुम हमारा दुश्मन ले आओ, हम तुम्हारी बहन को इज्जत के साथ वापस कर देंगे। एक बात ध्यान से सुनो, सौदेबाजी की शर्त अटल है और हम इनकार सुनने के आदि नहीं। Thank you.
कुछ दिलो, बहन का सहारा लेकर तुमने भाई को मजबूर जरूर कर दिया है, लेकिन अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो बिरजू के हाथ तुम्हारी आने वाली नस्लों के नाम निशान मिटा देंगे। सो रब दी, तुम्हारे गुनाहों का फैसला हम करेंगे। हमारा रास्ता रोकने वाले अगर ये तुम्हारी भूल है तो फिर ये जिंदगी की आखिरी भूल होगी, और अगर ये तुम्हारी हिम्मत है बड़े मियां तो दाद देने से पहले हम तुम्हारा नाम जानने का शौक रखते हैं। बोलो यमदूत। इस रास्ते पर गुजरने वालों के लिए मैं यमदूत हूँ नौजवान। भूले से भटक कर अगर इस रास्ते पर आ गए हो तो वापस लौट जाओ। कहीं तुम वही लुटेरे तो नहीं हो जैसे चार चौधरियों का माल लूटने की आदत है? इस रास्ते से सिर्फ स्मगलिंग का माल जाता है, क्योंकि यहाँ कोई पुलिस चौकी नहीं है। अब वो माल चाहे चार चौधरियों का हो या आठ चौधरियों का हो, उसे लूटना मेरा पेशा है। तो ये समझ लो कि आज से तुम्हारा ये पेशा बंद, क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ बांध कर ले जाऊंगा। तो वो सफर तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। देखो चुपचाप इस ट्रक में बैठ जाओ, तुम पे हाथ उठाते हुए मुझे अपने बाप की याद आती। अगर हाथ उठाओगे तो बाप मान कर भी जाओगे। देखो जिद मत करो, ज्यादा कुछ बोलोगे तो ट्रक के आगे बांध कर ले जाऊंगा। अपना ये सपना पूरा होने से पहले आंखें खोल कर जरा चारों तरफ देख लो। गीदर सौ भी हो, शेर का फैसला नहीं टाल सकते। बहुत बोलता है ये, इसे ऐसा सबक सिखाओ कि ये दोबारा ऐसे रास्ते पर चलने के लायक न रहे। कहा था ना, गीदड़ सौ भी हो जाए शेर का फैसला नहीं बदल सकते। तेरा फैसला मैं बदलूंगी। मेरा नाम दुर्गा है। मेरी आंखें बादल को फाड़ देती हैं, और जब मेरी आवाज गरजती है तो जमीन और आसमान कांपने लग जाते हैं। मेरा गुस्सा तुझ जैसे शेर को ही नहीं, जिस जंगल में शेर रहता है उसे भी चलाकर राख कर देता है। गोली, फांसी नहीं बाबा, इसके लिए कोई एक ही सजा बता कि इसकी बोटी बोटी तड़प तड़प कर तुझसे माफी मांगे। तड़प तड़प के भी हर बोटी से मेरी सिर्फ ही आवाज निकलेगी कि मैं तेरे बाबा को ले जाऊंगा, ले जाऊंगा, ले जाऊंगा। बकवास बंद कर, ये मेरे बाबा है।
अपनी बहन को बचाने के लिए तेरे बाबा तो क्या पूरे खानदान को उठा के ले जाना पड़ा तो भी ले जाऊंगा। बहुत भरोसा है तुझे अपनी ताकत पर, तो लगी शर्त, अगर मेरे होते हुए तूने मेरे बाबा को छू भी लिया तो मैं खुद इन्हें तेरे साथ जाने दूंगी। इस निडर लड़के की तड़प में सच्चाई की झलक नजर आती है। अगर तेरे बाबा को साथ ले जाना मुमकिन ना होता तो मैं तेरी शर्त जरूर मान लेता, और अगर तू लड़की ना होती तो मैं तेरे साथ मुकाबला भी कर लेता, मगर इसकी कोई जरूरत नहीं। लोहे की बंदूक पकड़ने से तेरे हाथ मजबूत जरूर हो गए, लेकिन इन बाजुओं में भी इतनी ताकत नहीं तो अब बिरजू को रोक सके। मर्द औरत से मुकाबला नहीं करता बल्कि उसकी इज्जत करता है, उसकी हिफाजत करता है और उससे प्यार करता है। तो सचमुच बहादुर लड़की है, तेरी दिलेरी पे बिरजू को प्यार आ गया है। उस प्यार का इनाम दिए बगैर बिरजू यहां से जाएगा नहीं। बहन के लिए तेरे बाबा को यहां से लेके जा रहा हूं, मगर तेरे लिए तेरे बाबा को यहां जिंदा वापस लेकर आऊंगा। ये मेरा वादा है, बिरजू का वादा है। वादे के मुताबिक तुम्हारे दुश्मन को यहां ले आया हूं चौधरी, हो अब मेरी बहन को मेरे हवाले कर दो। चोटी की कसम, हम कैसे मान लें कि ये वही पहाड़ी लुटेरा है जो हमारा माल लूटा करता था। चोटी के बच्चे, अपनी याददाश्त को आज से 20 बरस पीछे ले जाओ, अपने मुंह पर काला कपड़ा डालो और याद करो जिस फॉरेस्ट ऑफिसर की पत्नी का तुमने खून किया था आज वो तुम्हारे सामने खड़ा है। काले कपड़े उतार कर हमने शराफत के चोले जरूर पहने मगर खून करने का हुनर अब भी बाकी है। काश मुझे पता होता कि चौधरियों की खाल में तुम जैसे भेड़िए छुपे हुए हैं तो मैं कब का तुम लोगों की खालें उधेड़ चुका होता। ओ फिकर मत कर बुड्ढे, तू तब नहीं मरा था लेकिन आज जरूर मरा जाएगा। खामोश, जब तक मेरी बहन मुझे वापस नहीं मिल जाती कोई माई कालाल इसे हाथ भी नहीं लगा सकता। गुड, वेरी गुड। हाँ भाई, बात तो तूने असूल की है। ठीक है, तुम हमारे दुश्मन को लेकर आगे बढ़ो, हम तुम्हारी बहन को लेकर आगे बढ़ते हैं। साथ ले और साथ दे, क्यों कैसी रहेगी? मंजूर है। इसकी बहन को लाओ। आज तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है बेटा, मुझे ला के मेरे उन दुश्मनों के सामने खड़ा कर दिया
इनकी तलाश में मैंने पहाड़ का एक एक पत्थर और जमीन का एक एक चप्पा छान मारा। ये तो शुरुआत है बाबा, अंजाम क्या होगा वो देखना है। अब तुम सबको पता चलेगा ये चार चौधरी के साथ टकराने का क्या अंजाम होता है। लटका दो इस लड़की को। हिम्मत और बहादुरी का ठेकेदार और चार चौधरियों से बदला लेने के ख्वाब देखने वाला पहाड़ी लुटेरा पुराना फॉरेस्ट ऑफिसर। बड़ा माल लूटा इस बुड्ढे ने हमारा। और ये हरामजादा बिरजू हमारी आने वाली नस्ल का नामो निशान मिटा देना चाहता था। चौधरी अब देखते हैं कब तक एक भाई अपनी बहन का वजन अपने कंधों पर उड़ा सकता है। सौरभ, भाई के कंधे बने ही बहन का बोझ उठाने के लिए होते हैं, वो तो ठीक है, मगर ये बूढ़ा कब तक जिंदा रहेगा? 20 साल से सीने में बदले के अंगारे भर कर जीने वाले इस बूढ़े के कंधे अब औलाद बन चुके हैं। इन दोनों की मर्दानगी का तमाशा शानू भाई के घुंघरुओं की जलकर के। चंदा भाई, शानों के मालिक चार चौधरियों का हुक्म है कि शानों को हमारे साथ भेज दो। आज उनकी खुशी का सबसे बड़ा दिन है। इस खुशी के मौके पर वो एक जश्न मनाना चाहते हैं और ये जश्न शानों के बगैर ऐसा लगेगा जैसे तारों बिना आसमान। अरे मियाँ, ये तो चौधरियों की अमानत है हमारे पास। मैंने भी अभी तक चेक कैश नहीं करवाया, बस आज ये जाएगी ना तो फिर करवा लूंगी। हाँ। क्या बात है चंदा भाई। नहीं चंदा भाई, मेरे साथ खुबी से बंदी हुई बकरी जैसा बर्ताव मत करो। जो हमारे के पास मत भेजो, मैं नहीं जाऊंगी। क्या कहा? नहीं जाएगी?
देखती हूँ कैसे नहीं जाएगी। अरे तू नहीं जाएगी तो मेरा चेक कैश नहीं होगा। जाती है कि नहीं? जाओगी। ले जाओ इसे। मुझे ले जाने से पहले इतना सोच लो, मैं शेरू दादा की मगर तो। अरे अगर तुम उसकी बहन भी होती तो वो हमारा क्या बिगाड़ लेता। चल भगवान के लिए इस बिचारी पे इतना जुल्म ना करो। अरे अभी तुमने चार चौधरियों के जुल्म देखे कहाँ है बुड्ढे। मुझे ऐसे नफरत से नहीं देखो शेरू दादा, क्योंकि मैं आज तुम्हारे पास नहीं उस माँ के पास आया हूं जिसने एक बेटी को इसी घर में अपने सीने से लगाकर ममता का सहारा दिया था। माँ जी कुछ बदमाश उस बेटी को उठा के ले गए। माँ को ममता की याद दिलाने के साथ साथ ये भी बता दे बुढ़े कि वो लड़की एक गंदी नाली का कीड़ा है, औरत जात के नाम पर एक कलंक है, नोटों के ढेर पर नाचने वाले एक तवायफ है। बेटा मानता हूं कि एक तवायफ है, लेकिन मेरा बहता हुआ खून देख के तुम भी मान लो शेरू दादा कि इज्जत बेचने वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए कभी जख्म नहीं खाते। नोटों के ढेर पर नाचने वाली एक औरत अपनी आबरू बचाने के लिए बार बार तुम जैसे गुंडे की चौखट पे नाती। बकवास बंद कर बुड्ढा, निकल जाए यहां से। शेरू जाकर मेरी बेटी को वापस लिया। माँ वो तेरी बेटी नहीं, एक नाचने वाली तवायफ है। अगर बुरे और गंदे पेशा करने वालों के साथ शरीफों का कोई रिश्ता नहीं होता तो आज के बाद मैं तेरी माँ नहीं। माँ अगर वो नोटों के ढेर पर नाचने वाली तवायफ है तो तू भी नोट लेकर दूसरों का काम करने वाला बदमाश है। और अगर तू मुझे अपनी माँ समझता है तो जाकर मेरी बेटी को वापस लिया। माँ मैं तो, और अगर तू उसे वापस नहीं ला सकता तो इस काम की कीमत लगा शेरू दादा। तेरी कीमत तुझे मैं दूंगी, लेकिन वापस तब आना जब मेरी बेटी तेरे साथ हो। ओहो क्या हो गया साला, बड़े बेमौके टायर पंचर हो गया। अरे तुम्हारे साथ तो यही होता है। देखिए करो यार, हेल्प की मारी एक मजबूर लड़की हूँ जिसे कुछ जालिम खरीद चुके हैं। मैं तमाशे वाली तवायफ हूँ। इस जंगल में क्या कर रही है? अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे खरीदार चार चौधरी है। चार चौधरी, और आज वो मुझे ले जाना चाहते हैं, लेकिन मैं भाग निकली तो फिर आज वहां तो नहीं मैं आ चूंगी। Thank you.
Marjorie Castillo.
को दिया। आओ बहन। आ गए इंस्पेक्टर साहब आप लोग। आपकी नजरों में तो चारों चौधरी बहुत शरीफ थे। देख लिया उनकी शराफत को। उन लोगों ने मेरी बहन को किडनैप किया, मेरे बाप का खून किया और अपनी शराफत के चोले के अंदर चरस गांजा और अफीम का धंधा करते रहे। ये देखिए। माफ करना। अरे शानू भाई, अरे ये कहां से थी? चल मेरा बदतमीजी नहीं, मेरी माँ का हुक्म है। माँ का हुक्म है तेरी? चल चल लच्छे गाये के चल। उठ बेटी उठ। ये लो माँ, मैंने तेरी आज्ञा का पालन कर दिया, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर तुमने इसे बेटी बनाकर इस घर में रखा तो मैं तुम्हें माँ कहना बंद कर दूंगा, क्योंकि सर से लेकर पैर तक अगर झूठ की ईंटें रख दी जाए तो एक तवायफ बनती है, और एक तवायफ से सच की उम्मीद रखना आंखों देखे मक्खी निकलना होता है। माना कि ये तवायफ है, लेकिन बेटी ये तो सोच, इस बेचारी ने वो झूठ अपने आप को गुनाहों के दलदल से निकालने के लिए बोला था। सांप अगर डसना छोड़ भी दे तो भी आस्ती में नहीं रखा जाता। बेटी प्रायश्चित के बाद तो भगवान भी इंसान को माफ कर देता है, और तो इंसान होके इसे माफ नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान को पूछने वाला कोई नहीं, लेकिन इंसान को तो इंसान ताने मार मार कर मार देते हैं। अगर इसे घर में रखना है तो मुझे भूल जाना पड़ेगा तुम्हें। शेरू शेरू बेटा, अरे सुन तो, पागला भूख लगेगी तो सीधा माँ के पास आ जाएगा। चल तू अंदर चल। नहीं माँ जी, मेरी वजह से माँ बेटे में दूरी पैदा हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर मेरी नसीब में कोठा लिखा है तो फिर कोठा ही सही। मानते हो ना कि मेरे जैसा व्यापारी कोठे के बाजार में पैदा नहीं हुआ उस्ताद जी? अजी 10 लाख से तो शुरुआत की है, करोड़ों कमाऊंगी शन्ने जैसे हीरे से। हाँ हीरा नहीं, हेरा फेरे है चंदा भाई। शानो हमको चूना लगा कर भाग गई। क्या भाग गई? उसकी तो ऐसी की तैसी, आने दो उसको दिया। क्यों रे, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तेरे पर कैसे निकल आए? मेरे कोठे के नाम पर बट्टा लगाने की हिम्मत कैसे की तूने? बता बता क्यों भाग आई? बोल। भाग तो आई, लेकिन आप इसका कचुम्बर बनाकर चौधरियों के पास ले जाएंगे। तुम्हें जो कुछ भी करना है चौधरियों के सामने करना, यहाँ इससे मैं जवाब तलब करती हूँ। कमीने, तेरी ये मजाल। आज इस हंटर पर पहली बार तुझे नाचना होगा चंदा भाई। ये क्या हो गया? अरे शिवा शिवा, इससे बचा मुझे, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। इन कुत्तों की तो ऐसी की तैसी। हमें माफ कर दो शानू, हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी है? हमारे बाप की तौबा, हमें माफ कर दो। बंद करो अपनी बकवास और जाओ और अपने चौधरी से कह दो कि उनकी खरीदी हुई शानू बाई ने घुंघरू बेचकर उनके लिए गोलियां खरीदी हैं। अगर मौत का शौक है तो आ जाओ मेरे सामने, तब आ जाओ यहाँ पे। आज तक तूने शानू को नचाया है चंदा भाई, हाथ से तू नचेगी। इसे जिसने भी समझा के भेजा है ठीक ही भेजा है। दोष क्या रही है और इतना नाच इतना नाच कि तेरी बूढ़ी हड्डियां घुंघरू बनकर बजने लगे। घुंघरू बांध ले नहीं तो तेरी हड्डियां बजा देगी। आज इसका खून जोश में आया। बुढ़ापे में मेरी मुंह कर रही है। अभी अभी मैं अभी आई, 5 मिनट में आई आई आई। हाँ ना जाओ।
समझो तो हकीकत है, न समझो तो कहानी है, बस बस कहानी है, कहानी है, कहानी है, बस बस। चलो बेटी, अब तो आवाज भी फटने लगी, बस आज के लिए इतना काफी है, कल के लिए तैयार है ना। पति, पति। शानू भाई, कोयल कौवे के लिबास में आ गई मोटे से, बिछा दो तेरी चादर, रुक शानू, रुक। दोबारा बेचना चाहता है। वो कमीना मैं हूँ चादर बेचा के। मुझे टसने वाले सांप तू? असली डंक तो अब मारूंगा लक्ष्मी रानी। तेरे पास खड़ी शानो बाई पे जरा नजर तो डाल, ये तेरी सगी बेटी है चादर बिछा के। तूने मेरे सर पर चोट मारकर मेरा खून बहाया था चादर बिछा के। मैंने तेरे खून को कोठे पर पहुंचाकर उसे गंदा कर दिया। आज तुझे तेरे हर पाप की सजा भुगतनी पड़ेगी कमीने। पहले बता, मेरी दूसरी बेटी कहाँ है? लक्ष्मी रानी, मैं भड़वा हूँ, इसे तो एक बार बेचा था, दूसरी मिल गई ना तो उसे दो बार बेचूंगा चादर बिछा के। मैं कुत्ते को हर बार काटने का मौका नहीं दूंगी। आज तेरे शरीर के गंदे खून का कतरा कतरा बाहर। बता मेरी दूसरी बेटी का, बता मेरी दूसरी बेटी का। चल चल, बिछाता हूं तेरी चादर, चल। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। क्या कह रही है माँ, शानू तेरी बेटी है? हाँ बेटी, उस कमीने दलाल ने उसे कोठे पर बेच दिया था, वो फिर उसे वही ले गया होगा। चिंता मत कर माँ, जिस कोठे पर तेरी बेटी इतने साल कैद रही, ना सिर्फ उसे वहां से मैं वापस लेके आऊंगा, बल्कि आज के बाद वो कोठा कोठा नहीं, कब्रिस्तान नजर आएगा। हाय हाय रे पुलोका, हाय रे, मर गई। शन्नो, शन्नो, मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ। चंदा भाई, या तो तू अपना पिंजरा बदल डाल, या फिर इसकी मरम्मत कर डाल, क्योंकि तेरे पंछी ने यहाँ से भागने का रास्ता निकाल लिया चादर बिछा के। तू इसे कहाँ से ले आया? कुछ देर पहले तो यही थी, लेकिन तब कुछ और थी और अब कुछ और है। तो वाइफ की नजर का लालच चिता पे जलने तक कम नहीं होता है, फिर तो ये नजर आज धोखा को खा गई। मैं इसे शेरू दादा के घर से उठा के लाया हूँ चादर बिछा के। अभी पता चल जाएगा कि चक्कर क्या है। आराम शादी मुझे नचा रही थी, अब देखती हूँ अब क्या है। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, चल, मुझे बचा लो, चल, आगे आ, बोल, आगे की, जाएगी, बोल, बोल, कमी नहीं, कौन हो तुम? सवाल मैं करूँगा, वो भी तुझसे नहीं छुड़ाल, इस दल्ले से, तुम्हारे जुर्म बहुत ही ज्यादा है, लेकिन जान सिर्फ एक। इसके निकल जाने से पहले मुझे बताओ कि मेरी मुंह बोली माँ की दूसरी बेटी की। मुझे नहीं मालूम चादर बिछा के। शेरू दादा पत्थर को गुस्से से देखे तो वो भी बोल पड़ते हैं। तुमसे हमने सवाल किया और जवाब नहीं मिला, ये कैसे हो सकता? बता कुत्ते बता। मैं दल्ला जरूर हूँ मालिक, लेकिन झूठा नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम, नहीं मालूम। आराम दादे,
मैं वैश्य बन जाऊं तो माँ के दूध पी तो बच्चे भी बोल पड़ते हैं। तेरी जुबान अब तक बन क्यों है? हाँ बोल, बोल शानू की दूसरी बहन कहाँ है, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बोल तेरे सवाल का जवाब मैं हूँ शेरू दादा। जिसे शानू समझकर अपने घर ले गए थे वो मैं थी, और मेरा नाम दुर्गा है। मैं वहां क्यों थी एक बहुत लंबी कहानी है। कुछ तुम्हें मां ने बता दी होगी और कुछ एक दिन मैं खुद तुम्हें बता दूंगी। नहीं दुर्गा, अब तेरी मां और इंतजार नहीं कर सकते। मेरे साथ चल ताकि मैं मां की ममता को सुकून पहुंचा सकूं। इस खून का इल्जाम मैं अपने सर पर ले लूंगा। खून तो अभी होने बाकी है शेरू। मैं ये कसम खाकर जवान हुई कि तब तक अपनी मां के सीने से नहीं लगूंगी जब तक उसके दुश्मन जिंदा है। उसकी एक बेटी का सफर खत्म हुआ, दूसरी का अब भी जारी है। माँ, तूने मुझे अपनी एक बेटी ढूंढने के लिए भेजा था, मैं दूसरी से भी मिलाया हूँ। सच? कहाँ है वो? तू उससे मिल चुकी है माँ, जिसे मैं बदमाशों से बचाकर लाया था, वही तेरी दूसरी बेटी है। लेकिन वो तो बिल्कुल, हाँ माँ, दुर्गा बिल्कुल मेरे जैसी है। शुक्र है भगवान, तूने मेरी दोनों बेटियों को मुझसे मिला दिया। लेकिन तू उसे साथ क्यों नहीं लाया? उसकी एक इज्जत है माँ, कि जब तक तुझे बर्बाद करने वालों से वो बदला नहीं ले लेती, अपनी शक्ल तुझे नहीं दिखाएगी। भगवान न करे उन शैतानों को ढूंढते ढूंढते कहीं वो रास्ता भटक गई तो। उसे अपने रास्ते के पत्थर हटाने का तरीका आता है माँ, लेकिन अगर उसका रास्ता कुछ ज्यादा लंबा हो गया तो हम खुद उसके पीछे जाएंगे, यह हमारा वादा रहा। भगवान की दया से खुशियों ने आखिर इस घर का रास्ता देख ही लिया। बेटी, इन खुशियों में चार चांद लगाने के लिए तू मेरी इस बेटी को अपना ले। हम तो उसके मुजरिम हैं मां, कभी इसने अपना नाम हमारे नाम के साथ जोड़ा था, हमने इनकार कर दिया था, लेकिन आज हम हमारे हाथ जोड़कर अपने आप को इसके हवाले करते हैं। इसे कह दो ना मां कि हमारा हाथ थाम ले। हाँ बेटी। सब नीली आँखों में तेरी प्यासा ये मन खो गया।
Thank you.
कोना कोना छान मारा, ना ही मेरे दुश्मनों का कोई निशान मिला, न दुर्गा का कुछ पता चला, न जाने कहां चली गई वो। बाबा! बेटी, तू कहां चली गई थी? अरे बाबा, तुझे बचाने के चक्कर में मैं खुद पकड़ी गई। पकड़ी गई? किसने पकड़ा, पुलिस ने? नहीं बाबा, शेरा नाम के एक बदमाश ने, वो मुझे तबाह समझकर पकड़ कर ले गया, और तकदीर ने मुझे मेरी माँ और बहन से मिला दिया। सच? हाँ। भगवान का शुक्र है, आज से 20 साल पहले हम दोनों ने एक सफर में बहुत कुछ खोया था, लेकिन आज इस सफर में हम दोनों ने बहुत कुछ पाया है। तुझे तेरी माँ और बहन मिल गई, और मुझे मेरे दुश्मन। तुम्हारे दुश्मन? हाँ, जिनकी तलाश मेरी जिंदगी का मकसद था। खैर, तू छोड़ इस बात को, अब तुझे इन पहाड़ों में अपनी जिंदगी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं, तू अपनी माँ और बहन के पास वापस लौट जा। वापस लौट जाऊं? तो ठीक कहता है बाबा, दुखों के मारे जिस बच्ची को एक फरिश्ते ने सहारा दिया हो, सुख मिल जाने पर उस बच्ची को उस फरिश्ते को छोड़कर चला जाना चाहिए। गुरु बनकर जिस इंसान ने एक बच्ची को जुल्म के खिलाफ लड़ना सिखाया हो, उसे उसके दुश्मनों को जिंदा छोड़कर वापस चला जाना चाहिए। पाप पटकर जिस अजनबी ने एक बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया हो, माँ बहन मिल जाने पर उस बच्चे को उस बाप को छोड़कर चला जाना चाहिए। मेरा दिल भी बहुत चाहता है कि मैं अपने बरसों से बिछड़ी हुई माँ और बहन के साथ रहूं, लेकिन खून के रिश्ते मिल जाने पर आज वो रिश्ते टूट नहीं जाते बाबा। मेरे तो सारे रिश्ते तुम्हारे साथ है बाबा, तुम्हारे लिए मैं उनको छोड़ सकती हूँ, उनके लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती बाबा, नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ूंगी। बच्ची, बचपन से पत्थरों में रहकर भी तेरा दिल पत्थर नहीं हुआ। इन पत्थरों को तेरे प्यार ने माँ का आंचल बना दिया था। तेरे प्यार की कसम बाबा, अगर मुझे पता होता कि तेरा भी कोई दुश्मन है तो उसे अब तक ढूंढकर अपनी गोली का निशाना बना चुकी होती। नहीं बेटी, वो मेरे दुश्मन है, उन्होंने मेरी पत्नी को मारा, मेरे बच्चों को मुझसे जुदा कर दिया, उन्हें मैं अपने हाथों से मारूंगा। तेरी ख्वाहिश पूरी करनी मेरा धर्म है बाबा, जब तक तू अपना बदला नहीं ले लेता तब तक मैं अपनी माँ और बहन से नहीं मिलूंगी। सिर्फ उनका नाम बता दे, अगर वो पाताल में भी छिपे होंगे तो वहां से भी ढूंढ निकालेगी उन्हें तेरी बेटी। की वजह से हमारी इज्जत, नाम और सफेद पोश में फिर से काला लिबास चढ़ गया है। गुंडे, मेरी गुंडे, अरे चादरी सिर्फ लिबास ही नहीं चढ़ा बल्कि इन पहाड़ों के अंधेरों में रहना हमारी मजबूरी बन गई है, उन तलाश करने वाले दुश्मनों से छुप कर रहना होगा हमें। अगर हमारे दुश्मन हमारी तलाश कर रहे हैं तो हम पहले उन्हें तलाश करके उनको हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। लेकिन चौधरी, वो पहाड़ी लुटेरा और बिरजू बहुत खतरनाक है। और चुपास, साला खुद भी डरता रहता है, हमको भी डराता रहता है, भूल गए 20 साल पहले हम कितने खतरनाक थे? चौधरी की कसम, इन पहाड़ों का एक एक पत्थर हमारे नाम से कांपता था। हम अपने एक दुश्मन को इन्हीं पहाड़ों के पत्थरों के नीचे जिंदा दफना देंगे। अरे मियां, अपने दुश्मनों में मेरे दुश्मन का नाम भी जोड़ लो सरकार, जिसने मेरे कोठे पर ताला लगवा दिया, मेरी शन्नो को लेकर भाग गया है वो। तेरी बेटी शन्नो को भी हमने सबक सिखाना है, जानती है आज उसी की वजह से हमारा दुश्मन इस खुली हवा में सांस ले रहा है। अरे बिरजू ठीक कह रहे हो चौधरी, ना ही वो कपक शन्नो गोली चलाती और ना ही वो पहाड़ी लुटेरा और बिरजू आजाद होते और ना ही हमें ये काले कपड़े पहने पड़ते। अरे मियां, उसकी वजह मेरी बेटी शन्नो नहीं, उसकी जुड़वा बहन दुर्गा है। जुड़वा बहन दुर्गा? हाँ मियां, दुर्गा और शन्नो दोनों सगी बहने हैं। शन्नो को दलाल ने मुझे बेच दिया और दुर्गा को पहाड़ी लुटेरे ने पाला है। अरे मियां, उस दिन मुजरा करने वाली शन्नो नहीं, दुर्गा थी। दुर्गा गुड़े, वेरी गुड़े। तो फिर दुर्गा और लुटेरे को ढूंढने की तो जरूरत ही नहीं, जब शन्नो हमारे पास होगी तो वो दोनों मरने के लिए खुद ब खुद हमारे पास आएंगे। क्या हंस रहे हो मियां, शन्नो को लाना इतना आसान नहीं है,
चन्नो को लाना शेर के मुंह से जबान खींचने के बराबर है। शेरा उससे शादी करने वाला है। झूठी की कसम, 10 लाख का चेक हम दे और कैश करेगा वो चवन्नी का बदमाश। अरे मियाँ, शेरा जैसा खतरनाक इंसान तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। कहते हैं कि शेरा जिसका बयाना ले ले उसके कंधे से तकदीर भी हाथ उठा लेती है। अरे चंदा भाई, अगर उसकी तकदीर अच्छी होगी ना तो साला हमारे सामने आएगा नहीं, और अगर आएगा तो तकदीर खुद रोएगी कि क्यों आई थी शेरा के साथ। नाय, फिलहाल भूल जाओ उन सबको। सबसे पहले हमें उस बिरजू ड्राइवर को सजा देनी है जिसने आस्तीन का सांप बनकर हमें डसने की कोशिश की है। 4 फूल तुम्हारे चरणों में चढ़ा देने से तुम्हारा हक तो नहीं अदा कर सकता, लेकिन इन फूलों की खुशबू तुम्हें इतना जरूर बता देगी कि तुम्हारे कत्ल का हिसाब लेने वाला तुम्हारा बेटा भी जिंदा है। और इस समाधि पर बाबा आंखों में आंसू, चेहरे पर उदासी, बोलो ना बाबा तुम्हारा इस समाधि से क्या रिश्ता है। शरीर से पूछ रहे हो कि उसका आत्मा से क्या रिश्ता है, लेकिन हाँ अगर तुम्हारा इस समाधि से कोई रिश्ता है तो मेरे गले से लग जाओ, क्योंकि मैं इस समाधि में सोने वाली का सुहाग हूं। अगर आप इस समाधि में सोने वाले की सुहाग है बाबा तो फिर मैं आपका बेटा हूं। बिट्टू? हाँ बाबा, मेरा बेटा। हाँ मेरी छाती से बच्चा, ताकि मेरे सीने में ठंडक पड़ जाए। आज समझ में आया कि जब जब तू मुझे मिलता था मेरा दिल क्यों तेरी तरफ खींचता चला जाता था। बाबा, मुन्नी कहाँ है? चल मुझे बिटिया से मिला दे। चलो बाबा, मुन्नी तुमसे मिलकर खुशी से फूली नहीं समाएगी। आओ बाबा। चल भैया आ गए। चार चौधरी तेरे भाई के दुश्मन। बोल, आ वो कुत्ता। चोरी की कसम, इसका भाई इसे पहुंचा। ओ गुड्डा, वेरी गुड्डा। क्यों ना बहन की लूटी हुई इज्जत का तोहफा इसी के भाई को दे दिया जाए। आ बाबा, ये रहा तुम्हारा घर। आशा, आशा देखो हमारे घर कौन आया है। बा आशा, नहीं आशा, मुन्नी देख, देख मुन्नी कौन है। बाबा है, पिताजी आए। मुन्नी, मुन्नी मैं हूँ तेरा पिता। देख मुझे देख, आगे खोल बेटी, आगे खोल बहन, बहन आगे खोल, आगे खोल। किसने ये हाल किया? बोल। ये हालत तेरे किसने की बहन? नाम बता। बोल बहन, बोल। चौधरी। मम्मी, मम्मी। जाओ, अब तुम्हारे गुनाहों का फैसला हम करेंगे। बस एक और बिंदी है प्रभु, आंसू में डूबी इन आंखों को
जो खुशियां दी हैं उन्हें किसी की नजर न लगे। किसी बहन दुर्गा और पहाड़ी लुटेरे से कहना कि अगर शन्नो सही सलामत चाहिए तो रामनगर की पहाड़ियों पे अकेले आ जाए। और सुनो, पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो इस लड़की की लाश मिलेगी तुम सबको। बोल हरामजादे बोल, कहाँ है वो लोग? वरना बहन की चिता को आग देने वाले हाथ तुझे बगैर आग के ही जिंदा चला डालेंगे। बोल। वो रामनगर की पहाड़ियों में है। जोजियो, तुम्हारे रामनगर को रावण की लंका बनाने आ रहा हूं मैं। ओ मेरी गुड्डा, अरे वाइफ का धर्म बदन को ढकना नहीं बदन की नमाइश करना होता है। जिन कपड़ों से बदन ढक जाए वो कपड़े तेरे लिए नहीं है, इसलिए हमने तेरे ये कपड़े बनवाए हैं। चोटी की कसम, शरीफों के कपड़े पहनकर अपनी असलियत भूल गई थी, इसीलिए हमने तुझे तेरी औकात याद दिलाई है। तवाइफ, सिंदूर भी लगाती है तो सिर्फ सजने के लिए, और तू शादी के ख्वाब देख रही थी। अगर तेरी शादी हो गई तो तेरे इन आशिकों का क्या होगा? एक हाथ से घबरा रही है, अब तो तेरे बदन पे हाथ ही हाथ लगेंगे। ये मत बोलो कि मैं तवाइफ शानू नहीं बल्कि शेरा की होने वाली बीवी हूँ, और शेरा अपनी इज्जत की तरफ बढ़ते हुए हाथ ही नहीं हाथ बढ़ाने वाले की गर्दन भी काट देता है। गुंडे, वेरी गुंडे, अरे चवन्नी के बदमाश ने तूने पूरा बैंक बना दिया है। लड़की, शेर के घर में आकर उसे धमकी नहीं दिया करते। अगर शेर होते तो शेरा के सामने उठा कर लाते, तुम लोगों ने जो हरकत की है उसे तो गीदड़ की हरकत कहते हैं। इसे चाटा कहते हैं, जब काल पे पड़ता है तो आंखों में से आंसू निकल आते हैं, समझे? इसे मौत का पंजा कहते हैं, जबान लड़ाने वाले की जबान खींच लेता है। 10 लाख तेरी कीमत चुका चुके हैं, अब शेरा तो क्या, उसका बाप भी तुझे हमसे नहीं बचा सकता। तुम्हारे बाप शेरा के, जो तुम्हारे बुरे वक्त का अलार्म बजा रही है। शेरा, जगह से वही है लगा जिसे पहले मरना हो। शेरा, शेरा, इन लोगों ने मुझे। रो मत शानू, रो मत, ये सिर्फ तुम्हारे ही नहीं बहुत से लोगों के गुनहगार हैं, और आज इनके सारे गुनाहों का फैसला मैं करूंगा। बहुत दम है तेरे हाथों में, है ना? चाटा इसे कहते हैं, गाल पर पड़ता है तो बाप दादा याद आ जाते हैं, समझा? मौत का पंजा इसे कहते हैं, चोटी की कसम, खोपड़ी पर पड़ जाता है तो आने वाले नस्ल में सारे खंजे पैदा होते हैं।
मुझ पर हाथ उठाने की भूल मत करना। शेरा भूल नहीं करता, भूल की सजा देता है कुत्ते। 10 लाख की कीमत तुमने शानू की दी थी, लेकिन उठाकर मेरी होने वाली बीवी को लाए हो। मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि अपनी ये भूल तुम आने वाले 10 जन्म तक नहीं भूल सको। उससे पहले तो यतीम हो जाएगा चादर में जाके। दल्ले तू? माँ क्यों फट गई ना मुझे देख कर तेरी आंखें चादर बिछा के। दलाल कौवे की उम्र लिखा के पैदा होता है हुजूर, और जब तक जीता है दूसरों का जीना आराम किया रखता है चादर बिछा के। हुजूर चाकू की धार तेज है और तेरी मैया की गर्दन नाजुक। अगर तू इसकी जिंदगी चाहता है तो वो तमंचा फेंक दे मेरे मालिक चादर बिछा के। अबे देखता क्या है? देखा दलाल का कमाल हुजूर, चाकू और गर्दन की दलाली में लौंडे से तमंचा नीचे धरवा लिया चादर में जाके। ये तो दीनू की पत्नी है। मुझे पहचाना है तो तुम्हें अपने जुर्म भी याद आ गए होंगे जालिमो। बेटे ये कुत्ते मेरे 15 साल पहले के सवाल का जवाब है। मेरे पति और मेरे बेटे के कातिल मेरे घर को उजाड़ने वाले यही लोग हैं। मेरे इकलौते बेटे और सुहाग को तो हमने उजाड़ दिया था बुढ़िया, तो फिर इस बेटे को किस काली रात में पैदा किया है? काली रात को मिला था कमीने, जिस रात तुम लोगों ने इसके पिता सेठ करमचंद का खून किया था। मेरे पिता? हाँ बेटे, इन्हीं कमीनों ने तुम्हारे पिता को मार डाला था। अच्छा अच्छा, तो यही है मेरे पुराने दुश्मन करमचंद का बेटा। अरे वाह दलाल वाह, तू आज तक बहुत सी लड़कियां लेकर आया, लेकिन जो खुशी इस लौंडे को देखकर मिली है आज तक नहीं मिली। तेरे बाप को मारा इन तीनों ने, लेकिन मरवाया मेरे बेटा। तूने वाकई तारीफ के काबिल काम किया है। अब बोल इन दोनों की क्या दलाली चाहिए तेरे को? हुजूर खूबसूरत लौंडियों की दलाली तो बहुत खाई है चादर बिछा के, लेकिन इस लौंडे और इस बुढ़िया की दलाली जरा तगड़ी चाहिए। बांधो मां बेटे को। चल बुढ़िया। चौधरी साहब, बीजू और पहाड़ी लुटेरे के लिए बारूद की मौत का जाल बिछा दिया गया है। शाबाश, वहीं उनका इंतजार करो, हम तक दुश्मनों के सिर्फ जिस्म के टुकड़े पहुंचने चाहिए। चलो भाई, क्यों ना दुश्मन की मौत का इंतजार तेरा मुंडरे के साथ किया जाए? नहीं नहीं नहीं, ना चाहिए नहीं। अगर तू अब भी नहीं नाचेगी तो मेरी बंदूक से गोली चल जाएगी, और गोली चलते ही मेरे घुड़सवार घोड़े भगाएंगे और तेरे आशिक का जिस्म बांस की तरह चीर दिया जाएगा। नहीं शानू, तेरे पैर अगर मेरी सासें बन सकते तो इन पैरों को काट कर फेंक देना, लेकिन नाचना मत। नाच नहीं। शानू, शेरा आज तक इज्जत से जिया है, बेइज्जती की चंद सांसें से भीख में मत दे, मत नाच इन बेगैरतों के सामने शानू, मत नाच। दुनिया अपने प्यार को मनाने के लिए नाच सकती है, तो क्या मैं अपने यार को बचाने के लिए नहीं नाच सकती? We'll be right back.
Yeah.
हमने सुना था महाबंध में बहुत ताकत होती है और तू इतने आ गई। तेरे थकते हुए पांव अब भी तेरे आशिक के दिल के धड़कन बन सकते हैं। 10 दिन गिनूंगा मैं, अगर तब तक तूने उठकर नाश्ता शुरू न किया तो मैं गोली चला दूंगा। घबरा मत दोस्त, मैं आ गया हूं। बिरजू? वो बिरजू जिसकी फूल सी नन्ही बहन की इज्जत आज लूटी है तुम लोगों ने। हरामजादो, आज मैं उसी बदनसीब बहन की चिता को आग लगा कर आ रहा हूं और उसकी चिता की आग ठंडी होने से पहले तुम सबों की चिताएं जलाऊंगा, ये कसम खाई है मैंने। लेकिन तू जिंदा कैसे बच गया? जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, ये सिर्फ कहावत नहीं है। कमीनों, तुम्हारी वजह से बचपन से बिछड़ी हुई बेटी आज एक बाप को लाश के रूप में मिली। बरसों के बाद मेरी जिंदगी में आए खुशी के दिन को तुम लोगों ने मातम में बदल डाला। आज मैं तुम सबको लाशों में बदल डालूंगा और मातम करने वाला कोई नहीं रहेगा। अरे बुड्ढे, तुम लोग क्या मारोगे हमें? अगर मौत के बच्चे हो तो बंदूक फेंक कर नीचे आओ। चोटी की बात करता है मर्दान की और हाथ से पकड़ता है चोटी। अरे तू तो मर्द है ना औरत, चोटी के बच्चे और सिर्फ तेरा ही नहीं, तेरे सब साथियों के गुनाहों का फैसला होगा। जिस लड़की को तुम लोगों ने जबरदस्ती नचाया है वो मेरी बहन है और सामने बंधी हुई वो औरत मेरी सगी माँ है। शानू, शीरा, तुम ठीक हो ना? हाँ। शीरा, दलाल, अपने किए की दलाली लिए बिना आज नहीं जा सकता तू। तुम मुझको दलाली देगी? चल हट जाने दे मुझे अभी जाके। रुक जा दलाल, तेरी मौत तो वक्त आ गया है। नहीं शन्नो, और मौत ने आज तक किसी को जाने नहीं दिया। शन्नो रानी, फेंक दे इसे। देख बेटे, ये चल जाएगी तो मैं मर जाऊंगा चादर पे जाके। कोयले की दलाली में मुंह काला होता है, मगर तूने जो दलाली की है उसमें तेरा मुंह लाल होगा। बच गई। चल चल Ah!
पीछे पड़ी हो दुर्गा? दुर्गा, काली, चंडी, इन सब नामों के बजाय सिर्फ एक नाम से पुकार मुझे, मौत के नाम से। भाग कुत्ता भाग, जितना तेज भाग सकता है भाग, लेकिन मेरी गोली से तेज नहीं भाग सकेगा। मुझे उस पार ले चलो, चल दे। अरे, अबे, अबे आए, किसने चला? मुझे तैरना नहीं आता। तुम यहाँ कैसे? जिन्हें तैरना नहीं आता, उन्हें पानी से दूर ही रहना चाहिए। याद कर, आज से 20 साल पहले दो मासूम बच्चों को तूने इसी दरिया की लहरों के हवाले कर दिया था। है? उन मासूमों को भी तैरना नहीं आता था, उन्हें तो ऊपर वाले ने बचा लिया, और तू, तेरी मौत इसी पानी में होगी, इस बात का फैसला विधाता ने उसी दिन लिख दिया था, इसीलिए वो तुझे यहां लाया। खुद पानी में तुरा जोड़ता हूं, जा पानी में। तूने मेरे बाप का रास्ता रोका था और मेरी मां को जान से मारा था। उस दिन मैं बहुत छोटा था, लेकिन आज मैं अपने खानदान की बर्बादी, अपनी मां और अपनी जान से प्यारी बहन का बदला इस रिवॉल्वर की गोली या अपने इन हाथों से नहीं, बल्कि अपनी लातों से ठोकरे मार मार के लूंगा कुत्ते। जिसे अपने बाप का पता ना हो, उसे किसी को बेटा कहने का कोई हक नहीं होता। गुड, वेरी गुड, ठीक कहते हो तुम। बड़ा शौक है तुझे बोली लगाने का ना? चल अपनी जान की कीमत बोल। जान की कीमत? एक लाख। बड़ी सस्ती जान है तेरी, इसका तो खत्म हो जाना ही अच्छा। नहीं, 10 लाख, 25 लाख। इस सलाम के बंद हो जाने से पहले अगर तुमने सही कीमत नहीं बोली, तो इसके बंद हो जाने के साथ तेरी जिंदगी की बढ़ती बंद हो जाएगी। 50 लाख, 1 करोड़, मेरी जान ले लो तुम। अब बोली सही कीमत तूने, जिंदगी कितनी कीमती होती आप तुझे पता चला है साले? ये ले, बंद कर दे इसका अलार्म। मां, तेरी दूसरी बेटी दुर्गा कहां है?